नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और मगहिया जवान को लेकर विवाद, जिस तरीके से मगहिया जवान ने अभद्र भाषा का प्रयोग खेसारी लाल यादव के परिवारजनों के साथ किया, उसके बाद खेसारी लाल यादव और उनके पूरे टीम जो हैं उस पर गुस्सा हो गई और उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया, पुलिस से एक्शन लेने की बात की। सोशल मीडिया पर इस बात का अंदेशा लगाते रहे कि हमारी मदद बिहार पुलिस और बिहार सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खेसारी लाल यादव और उनके टीम के लोगों ने खेला करते हुए मगहिया जवान पर 5-6 थानों में लगभग 12 मुकदमे दर्ज कर दिए। और 12 मुकदमे दर्ज होने के बाद कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, जिसमें मैंने कि आपको दिखाया, बताया, सुनाया कि किस तरीके से मगहिया जवान अब बिलबिला रहे हैं, मगहिया जवान पर किस तरीके का दुखों का पहाड़ अब टूटता नजर आ रहा है, ये तो आने वाला समय में बताएगा। और जिस तरीके का FIR दर्ज हुआ है उसको लेकर अब उनके भाषा में जो एक शैली होती है वो अब झलकने लगी है और उसको लेकर अब बातचीत भी होने लगी है। लेकिन कई सारे लोगों के जहन में सवाल है कि जहन में सवाल ये है कि आखिरकार जब खेसारी लाल यादव और उनके टीम के सदस्यों ने 5-6 थानों में 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, तो मगहिया जवान आखिरकार सलाखों के पीछे कब होगा, जेल में कब जाएगा, और इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो दरअसल मैंने आपको बताया था कि FIR जब दर्ज होता है इसका मतलब ये होता है कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही एविडेंस थाने को पेश करना होता है और थाने उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, देन आपको FIR होता है। तो FIR किसी थाने में लिखा दिया जाता है, तो FIR के बाद क्या होता है कि जो जो क्राइम किया होता है, यानी कि जो जिसका अंदेशा होता है कि ये क्राइम कर सकता है, उसकी फुल डिटेल, उसका एड्रेस, उसके गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना कौन सा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, या फिर जैसे यूट्यूब की बात करता हूँ तो वो सारी चीज़ें दिया जाता है और उसको लेकर पुलिस जो है वो छानबीन करती है। पुलिस उस पर्टिकुलर एड्रेस के थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराती है और फिर वारंट जारी करती है कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ कितना ज्यादा वास्ट है और कितना ज्यादा तेजी से काम करता है, ये बखूबी आप जानते होंगे। तो उसी प्रोसेस के तहत ये जो FIR दर्ज होता है, FIR की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे थाने तक बढ़ती है। थाने के बाद फिर पता व्यक्ति को किया जाता है, वारंट भेजा जाता है, अगर वो तामिल नहीं होता है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत ये सारा मामला होता है। जैसे ही प्रोसेस होगा वैसे वैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये हमें बताइएगा, ठीक है।